जब मैं कह रहा हूँ स्टैंड पे पूछने से पहले ताल देगा यार तुम करवाओगे के एक तो ये सुन लो ना देखो कितनी सुरीली आवाज है इनका फेवरेट गाना है चुराई चीज को तुमने सुन लाइन तो सुन लो खुदा का घर बताया था वो जब क्या ये आतिफ असलम ये भी आपका फेवरेट अब ये हम उतरने वाले मेट्रो में हमने गाना गा लिया कोई हमें धक्का मार के निकालो उससे पहले हमने और हम मेट्रो से आ गए ऑटो में अब हम जाए हम जा रहे हैं राइडर्स इन ब्लू में ऑटो में बैठ के गाड़ी नहीं आपके पास चश्मा लगा के गाड़ी में नहीं आ सकते लीचड़ आदमी इज्जत का फल उधर सारी अंदर गाड़ी ना जावे जाती है अंदर गाड़ी ना जाओ गाड़ी में तो रोड पे पहुंच दे अंदर से चश्मा चश्मा जाएगा इसलिए कहा रखा है हम जा रहे सीधा और वेन्यू पे पहुंच के आप लोगों को मिलेंगे और इवेंट में सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खुशी आई हुई थी आप जानते ही हो खुशी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और सबको बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है नीचे पर आती थी और फिर आ गया उसका पैसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग आते बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं तरीके से लोग एंजॉय करते हैं ज्यादा मत हिलाइयो नॉर्मल रखो फोन ऐसे नहीं अच्छा ब्लॉक के लिए नू हो जाएगा एकदम में ज्यादा मत हिलाइयो फोन को केस होता है वो इधर दीवार मत कर दी सब लोग आ जाओ एक बार प्लीज खुशी मैम की परफॉर्मेंस देख लीजिए सब लोग एक बार बैठ जाइए प्लीज सब लोग आ जाओ एक बार आप जो क्रिएटिव स्क्रीन्स बना रहे हैं प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे आ जाइए राइट में अनिकेत क्या कह रहा था बोलेंगे यार उतना नाम पक्का सीधे रखो ना जी आज हम फिर चल दिए हैं घूमे घूमे करने एक टाइम था मैं घूमी घूमी नहीं करती थी अब मैं खुद भी घूमे घूमे करती हूँ और ये भी घूमे घूमे करते हैं ना घूमे घूमे करते हो बाबू घूमे घूमे करते हो बहुत घनी बाबू घूमे घूमे करते हो धीरे धीरे नन्नू ऐसे बोला करेगी अभी नन्नू ना हमारी ऐसे सीख गई है पापा पूरे दिन कान खाती है ना पूरे दिन बड़ा बड़ा खाते हैं और कुछ आए ना ये कुछ से बोलो हाँ 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 अब पूरे दिन हाँ बोलना पड़ता वो ना सुनती मम्मा बोलूंगी तो मम्मी बोलेगी पापा बोलूंगी तो पापा आवाज मारेंगे ऐसे करके तो अभी बज रहे हैं दो और दोनों बच्चों को घर पे छोड़ के अब हम आ गए हैं यहाँ पर क्योंकि बच्चे देखो दुखी हो जाते हैं बच्चों को काम पे लाने का कोई मतलब नहीं बनता हमारे कृष्णा डिजाइन एंड बुटीक जैसा कि आप लोग जानते हो दी के पास मैं हमेशा आती रहती हूँ और इस बार दी का खतरनाक कलेक्शन आया है तो वो कलेक्शन के लिए मैं आई हूँ
और वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर दिख जाएगा कि क्या क्या इनके पास नया कलेक्शन आया, जो कि आता रहता है, इस बार और बेहतरीन कलेक्शन है तो वो दिखाऊंगी। अभी हम चल रहे घूमी घूमी गाड़ी में और थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। देखो इस आदमी की सच्चाई दिखाती, मेरे से कैसे बात करता है, देखना अभी। क्या कहा था आपने अभी? किस पर बिठाने की नहीं हुआ है? क्यों जोर से खिड़की मारे लोग तोड़ दिए सारे डिब्बे कर दिए, फिर दर्द दर्द बातें कर रही है। तो ये कौन सा तरीका बात करने का? अच्छा ठोको के पिटो को भी मेरे को देखिए, या गाड़ी दिया देखा, ये सच्चाई दिखाना चाहती आप लोगों को। इरशाद इरशाद आगे की दो लाइनें समझ नहीं रहे हो, मेरे पास कस्टमर आते हैं शादी ब्याह वाले तो मेरा तो बल्क में ही माल जाता है, तो मैं ऑलरेडी प्राइस होलसेल के ही दे रही हूँ भाई, कोई बात नहीं। इरशाद मैं रेट वो दे रही हूँ जो लोग गड्डियों में दे रहे हैं, तो अब और होलसेल क्या दूं इससे ज्यादा। अब वो समझना आपको है, समझने का फर्क आपका है, वो तो देखो आपको माइंड सेट करना है। बाकी चीजें वही मार्केट वाले रेट में आपको मिल रही हैं। सोचा ही नहीं कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। ये मेरे फोन से भी कनेक्ट था, मैं वहां बातें कर रही थी, वो भी आ रही होंगी साथ में। मुस्कुराए तो लगता है जैसे माइक पे चुगली हुई है। तो भाई ये था इरशाद इरशाद, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह वल्ला मियां। मेरे बात अच्छी नहीं है? अच्छी है ना, ये तो मैंने बिना मन के गाया है। डर क्यों रही थी वो लड़की? नहीं डर रही थी, नहीं घबरा थी ना बेटा, अचानक से भाई बात तो बताना चाहते, अचानक से अचानक से बता दी इसने। इनको पता है मैंने इधर ही आना है, इनने फिर मेरे से ही टकराना है, मेरे से पंगे नहीं लेंगी, समझे? ना भाई आपको ही नहीं पसंद, मैं कल मेट्रो में जा रही थी पता है, कान बंद कर लिया। मेट्रो में तो बच्चे ट्रेन भाग रहे थे, भागे नहीं होंगे, बैठे होंगे पास में। डिब्बा चेंज ऐसी बेकदरी है मेरी। अभी मैं फिर से अपना काम करती हूँ, फिर आप लोगों को कंटिन्यू करेंगे कि मेरे सुर कितने ताल के साथ मिल रहे हैं। आ जाओ दीदी, गाती है ना दीदी? देखो अच्छा गाती हूँ ना मैं, बहुत अच्छा। तू ट्राई क्यों नहीं करती? मुझे लगता है कि एक छुपा हुआ। हाँ अभी देखो, अभी अच्छे से गाते हैं। एक देखो, मैं तो दूर हूँ इस मामले से। ये हमारे अंदर का सिंगर है, टैलेंट हम दिखाते नहीं है किसी को। नहीं ये टैलेंट है ना, आप लोग ही बताना कमेंट में। अच्छा मुझे तो अच्छा लगा। देखो एक लाइन और सुनो, अब मैं अच्छे से गाऊंगी। ये बताओ कब गाना है? ये बुढ़ापा में गाए थे, मेरा कान बांध ठीक है। नहीं मैं गाती हूँ ना, ऐसे करते हैं मेरे साथ, डिमोटिवेट नहीं करना मेरे को। कान तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो दिमाग में घुसेगा तब। दिमाग तो खराब तो दिमाग होता है ना, कान कुछ नहीं होता। तो बोल रहा है कितना कितने अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग्स गा रही हूँ मैं। नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया गा रही है। सैड सॉन्ग कल कौन सा गाया था मैंने आतिफ असलम का मेट्रो में? तेरी आँखों के दरिया का क्या था? तेरी आँखों के दरिया का नहीं नहीं क्या था? तेरी आँखों के दरिया का छोड़ो, जो भी है हम गुजरना गा देंगे। उतरना मोहब्बत भी जरूरी। हाँ तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम आपको बताएं कि हम कितने बड़े कलाकार हैं। वाह 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 वाह, एक ऑडियंस भी बैठी है साथ में। ऑडियंस हमारी तो कितनी खतरनाक शानदार, और हमारी कोई नकली ऑडियंस नहीं, असली वाली ऑडियंस। हां ऑडियंस भी खतरनाक है वैसे।
पूरी लाने पीछे थमा दिया कोई लाइन। तो भाई आज मैंने यहाँ पर क्या किया है क्या नहीं किया वो सब आपको कल के ब्लॉग में मिलेगा। देखो भाई भी आ गए, भाई भी सुनेंगे, भाई मेरे सुर सुनना। अरे भाई ठीक नहीं यार, ऑन द स्पॉट मेरी कलाकारी को ठीक है, ओरिजिनल रिएक्शन आएंगे आप लोगों के पास, ओरिजिनल रिएक्शन गुना है। हाँ हंसेगा नहीं कोई। जीने के लिए सोचा ही नहीं, कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। ये ऑडियंस रख लिया भाई, वो भाई वो हमारी टीम से नहीं है, गलत बात है। उसको पेमेंट ना करी, पेमेंट दी नहीं, दी पेमेंट कट होनी चाहिए। उसकी पेमेंट नहीं, अगर उसकी शक्ल दिखा दे, उसकी शक्ल कैमरे में आ गई ना तो पता चल जाएगा वो जो लोगों का फोन नहीं उठाता ना, वही बंदा है। अच्छा तो वहां से चल रही है वो चीजें। हाँ ठीक है, जो ऑनलाइन वाली जितनी फ्रस्ट्रेटेड ऑडियंस की पूरी सल्ली को इसको पेमेंट ना मिली। हां कितने टैलेंटेड हूं मैं। तो ये व्लॉग में मैंने क्या क्या आउटफिट दिखाए हैं यहाँ पर आके, मैंने कौन कौन से आउटफिट आप लोगों को लेटेस्ट ट्रेंड वाले दिखाने वाली हूँ, लहंगा सूट वगैरह, नेक्स्ट व्लॉग में मिलने वाला है। ये था एंटरटेनिंग व्लॉग, तो नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। या दीदी एक नया चीज शुरू हुई है मेरी शेयर वाली, 1 2 3 शेयर। चलो 3 2 1 स्टार्ट शेयर। दीदी करे शेयर। ये देख लो भाई लेके आ गया गाड़ी, अब हम जाएंगे पार्टी करने। ठीक है चल रहे ना पार्टी करने, ये जो मेरा व्लॉग चल रहा है ना उसमें सब आएगा। ये देख लो भाई हमारे दूल्हे राजा भी इनका ब्याहन वाला है। ए भाई चालू तो नागरी वीडियो चालू क्यों नहीं कर रखी, पूरे आप आ रहे 17-18 सेकंड की वीडियो। तो मैं आ रहा हूँ लेकिन पॉज हो रखा है, चालू ना हुआ भाई। और मैं व्लॉग में बता रही हूँ, भाई कह रहे थे मेरी शादी नहीं हुई, लड़की है अनजान लड़की का है, किसी का भी हो कृपया आके दे दे ठीक है, वरना किसकी भी बहन बेटी को अच्छा लगे मेरे से आके संपर्क कर सकती है, मैं ही लेके जाऊंगी। तो भाई हम चले कॉफी पीने, सब बैठ ले, मेरे गप्पे नहीं खत्म होते। ये बात तो है। हाँ ओहो हो भाई, अब बहुत भाई एक आधे काम तो बहुत अच्छे कर देता है। थैंक यू भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेस्ट है भाई। कुरकुरा टाइप पड़ना है ना, ऐसा लग रहा मोमोज की चटनी हो इसमें। थोड़ा यूनिक टेस्ट है ना। पता नहीं क्या अजीब गरीबी क्या है भाई, ब्रेड के ऊपर पनीर रखा हुआ, व्हाट इज दिस बुलशिटा, व्हाट इज दिस बुलशिट, व्हाट इज दिस बुलशिट। भाई ऐसा कौन सा तरीका होता पिज्जा खाने का, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो भाई हम लोग तो देखो कर रहे हैं एंजॉय, और मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रही, मैं बता रही पिज्जा ऐसे नहीं खाया जाता, पिज्जा रोटी के साथ तोड़ के खाया जाता।